रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। और फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में कीमा, करेले, प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। इसके लिए हमें तकरीबन 3 पाव कीमा चाहिए और तकरीबन 3 पाव ही करेले हैं, जिसे मैंने काट के नमक लगा के रखा है। और फ्रेंड्स, ये करेले के ऊपर का छिलका है, इसको भी मैंने नमक लगा के रखा है, और ये भी हम इसी में ऐड करेंगे, तो हमारे करेले कभी कड़वे नहीं बनते इंशाल्लाह, अब भी नहीं बनेंगे। और हमें ये 4 से 5 अदद प्याज चाहिए, जैसे हमने ऐसे काट लिया है, और 3 अदद टमाटर चाहिए, कुछ हरी मिर्च चाहिए फ्रेंड्स, और धनिया चाहिए हमें, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। हमने कीमा हमारा अच्छे से भुन गया था, अब हमने इसमें करेले ऐड किए हैं जो हमने फ्राई किए थे। अब मज़ीद हम इसको जो है मतलब 5 मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स, करेले कीमा हमारे रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह से अमेजिंग लुक है, आपको नज़र आ रही होगी, और अमेजिंग खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, करेले हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं और घी सेपरेट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे जी। फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारा कीमा करेले रेसिपी तैयार है। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।